ये आज हम इस काम को ऑटो करने लगे हैं। ऑटोमेटिक ये देखें, यहाँ पे हमारी मोटर लगी हुई है, पानी डायरेक्ट टैंकी में जा रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, सर्दी ज़्यादा है, जिस वजह से ये पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको ऑटोमेटिक करने लगे हैं इस काम को। ये वॉशरूम में भी प्रेशर नहीं होता, टूटियों में, इस वॉशरूम को भी ओके करेंगे। और साथ में ये हमने ऑटोमेटिक छोटी टैंकी लाए हैं, इसको ऑटो करेंगे। ये हमने इसकी जगह बनाई है, बेस बना के हमने टैंकी ऊपर रख दी है। और ये देखें, ये टैंकी फिट हो गई है। ये हमने राड लगाए नीचे, लगाने के बाद सपोर्टिंग के ऊपर हमने टैंकी रखी है। टैंकी रखने के बाद इसको हम अभी ऑटोमेटिक करेंगे, ये सारी इसकी लोकेशन चेंज करेंगे। ऊपर वाली टैंकी भी ऑटो हो जाएगी और साथ में ये वाली टैंकी भी हम ऑटोमेटिक करेंगे। ये देखिए हमारा प्रेशर, ये सिर्फ ऊपर वाली टैंकी से आ रहा पानी। जब नहाना वगैरह हो तो इसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये शावर में भी पानी नहीं खुल के आता और इस वायरिंग में भी पानी अच्छे तरीके से नहीं आता। इसलिए हमने इसको यहाँ से सारे सिस्टम को ऑटोमेटिक करेंगे। ऑटोमेटिक करने के बाद हमें ताज़ा पानी यूज करना हो तो हमारा वॉश बेसिन, ये टैंकी हमने फिट कर ली है और अब इसकी पाइप वायरिंग शुरू करेंगे। ये हमने इधर से पॉइंट दिया, ये नीचे आ जाएगा इसका। यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो इधर हमें कलैदा डायरेक्ट टूटी देंगे, और टूटी देने के बाद ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये हमारा मेन लाइन का होगा। जब हम इसके साथ मोटर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, ये हम इसको पहले वाली लाइन को खोल रहे हैं। खोलने के बाद सारी लाइन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर भी जाएंगे टैंकी, उसके अंदर भी उसको ऑटो करेंगे। ये ऊपर वाली टैंकी है दोस्तों, इसको हमने खोल ली है। खोलने के बाद टैंकी काफ़ी एक्सपायर हुई पड़ी है, लेकिन हमने इसी से काम चलाना है। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको रिटर्न वाल दिया है। ये देखें, ये नीचे से पानी इसका एंटर नहीं होगा, नीचे से पानी आउट होगा। ये रिटर्न वाला हमने इधर दिया है टैंकी में से, और ये साथ में मोटर का डायरेक्ट पानी हमने इधर टी दी है, वो टी से ये पानी इधर आएगा। इधर हमें एक उधर छत पे डायरेक्ट मोटर से पानी देंगे, एक उधर यहाँ पे नल देंगे ताकि ऊपर पानी चाहिए गर्मियों में, जब टेम्परेचर 47 डिग्री पे होता है तो उस वक्त हम ऊपर पानी दें ताकि इन लोगों को पानी की ज़रूरत हो तो ऊपर पानी ले लें। इसी तरह ये पॉइंट इधर दे दिया है और इसको यहाँ से हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद ये GI सारी उतार दी है, और उतारने के बाद हम इसको यहाँ से PPR करेंगे। ये 32 यानी कि 32 mm को हम लगा रहे हैं। नीचे डॉन भी, ये देखें, नीचे डॉन भी लगाएंगे, और उसके पास बाद जो पॉइंट है उसे नहीं हम छेड़ते। हमने इसे यहाँ से खोल दिया, खोलने के बाद ये छोटा निप्पल लगाया। लगाने के बाद इधर हम ये रिटर्न वाल लगाने के बाद ये सारा सिस्टम क्लियर करेंगे। और वो हमारी टैंकी लग गई, ये टैंकी लग गई है, टैंकी तो हमने लगा ली है। साथ में अब इसकी वायरिंग का भी सिस्टम चलेगा, देख सकते हैं आप। ये हमने रिटर्न वाल लगा दिया, ये देखें, ये रिटर्न वाल लग गया। यहाँ से हमने पॉइंट खाली किया था, इसको यहाँ से हमने दे लिया, और ये हमारी टी लगी हुई है, इसको हमने इधर से ये वाली टूटी दे ली है। ये देने के बाद देख सकते हैं आप, ये हमारी ये वाली टूटी है टैंकी की, ये टैंकी वाली टूटी है। इस तरह हमने इसको इधर से दिया, ये हमारी यहाँ से एंट्री हो रही है भराई वाला पानी टैंकी का, इसको हमने नहीं छेड़ा, इसको हमने ऐसे ही देना है, क्योंकि ये हमारी नीचे मोटर से आ रही है, वो बत्ती की लाइन, साथ में रिड्यूसर लगाया हुआ है। ये हमारी टैंकी यहाँ से डैमेज है, यहाँ से भी, इसी वजह से हम इसको नहीं छेड़ नहीं रहे, ताकि हमारी ऐसे ही यूज़ होती रहे। हमारा मकसद सिर्फ दूसरी टैंकी यूज़ करने के लिए है, ताज़ा पानी के लिए। इसको हमने यहाँ से
वाला ये ऊपर टैंकी का है, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक जा रहा है, ये पानी सारा वैसे ही वॉशरूम में जाएगा। तो वॉशरूम देख सकते हैं आप, ये मेरा वॉशरूम सारा ऑटोमेटिक हो गया, ये टूटियाँ भी चेंज होंगी और साथ में ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया। ये हमारा, ये हमारा शावर है, इसको भी हमने ऑटोमेटिक कर दिया है। अब ये शावर खोलेंगे तो ऑटोमेटिक पानी। दोस्तों ये वायरिंग हमारी मुकम्मल हो गई है, ये वाला टंकी भरने के लिए और ये डायरेक्ट ऊपर से लेना, हमने इस तरह इसको दोबारा किया। दोबारा करने के बाद देख सकते हैं ये हमने इधर ही इसको ऑटोमेटिक कर दिया, ये हमारा डायरेक्ट पानी जा रहा है टंकी में मोटर का, इधर से एंटर हो गया, ये ऑटो टंकी लग गया, ये हमारा ऑटो स्विच लगा हुआ है साथ में, इसको हमने इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया। और साथ ही यहाँ से हमने ये देखें, इधर से हमने नीचे ये वाली फर्श धोने के लिए टूटी दे दी, ये हमारा इधर मुकम्मल हो गया। ये देखिए ये हमारी मोटर है, मोटर का पानी इधर जाएगा, इधर से हम टंकी को भरेंगे, भरने के बाद ये हमारा सीधा अंदर, ये पहले वाली लाइन को ही हम चलाएंगे, जीआई की लाइन है। ये हमने टॉयलेट टूटी चेंज कर दी है, नई लगाई है, और साथ में देख सकते हैं ये वेनेट्री की टूटी भी तकरीबन सिंगल ही है, इसको नहीं हम छेड़ेंगे, लगा ऊपर डबल मिक्सर है, वायरिंग क्योंकि सिंगल थी इसलिए हमने इसको आउट नहीं किया। ये देख सकते हैं आप, ये शावर भी हमारा चल गया है, इसको अभी हम पानी जब मोटर चलाएंगे तो चलाएंगे इंशाल्लाह। और ये हम जो किचन को खाली करेंगे, ये किचन हमारा खुल जाएगा, जब देख सकते हैं हम इसको फायर दे रहे हैं, ये हमारा प्लांट जब खुलेगा इधर से तो हम इसको यहाँ पे ये जो डबल मिक्सर है सैम का, इसके दो प्लांट से पड़ा हुआ है, इसको हम अभी लगाएंगे इंशाल्लाह। ये हमने लगा दी है टूटी, देखे किचन की, ये हमारा किचन का मिक्सर लग गया है, ये देख सकते हैं आप पानी देख सकते हैं, किचन का मिक्सर का फुल किचन का पानी आ रहा है, ये दोनों साइड से पानी आ रहा है, ये देखो हमने इसको काट के इसके अंदर सारा इसको हमने लगा दिया, ये हमारी किचन मिक्सर लग गई है। ये देख सकते हैं हमने चला दी है मोटर, ये हमारी मोटर चल गई है। ये लैन में इतना गंदा पानी था, लैन बंद हुई थी, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अब हमारा ये भी चल गया, ये हमारा सारा सिस्टम निजाम चल गया, पानी देख रहे हैं पानी गर्म आ रहा है, मोटर का बिल्कुल ताज़ा, और साथ में ये भी शावर भी चल गया, शावर में खोलने लगा, ये शावर चल गया, और साथ में ये हमारा प्रेशर के साथ पानी गर्म नहाने के लिए बिल्कुल डायरेक्ट मोटर नीचे से पानी निकालेगी और ऑटोमेटिक चल गई। ये हमने भी ठीक कर दिया टॉयलेट शावर, देखो प्रेशर इसको देख सकते हैं, हमने इसको शावर को भी सेट कर दिया, इस तरह हमारा सारा निजाम चल गया, ये हमारी मोटर ऑटोमेटिक कर रही है, ये चल रहे सारा अल्हम्दुलिल्लाह वधिया हो गया, मोटर चल रही है और ऑटोमेटिक भी हो रही है और सारी वायरिंग भी ओके हो गई, ये सिस्टम सारा चल गया है।